मैं दसना चाहुंदा जी, ये सरदार गिनी भाटिया जी आ जिन्होंने फ्रेंड्स क्लब जिहड़ी इन्हां दी एनजीओ आ, ये पूरी जिहड़े एनजीओ आ रल के शहर दे विच काफ़ी हरियाली संबंधी जिहड़े आ काफ़ी बूटे ला रहे, और असीं भी पूरे अपने दफ्तर दे विच भी इन्हां दा सानूं पूरा सहयोग दित्ता। इस तों अलावा असीं अपने वक्त वक्त थाणियां दे विच भी लवा रहे हां, और साडी जिहड़ी ट्रैफिक लाइन उत्थे भी काफ़ी असीं बूटे लवा रहे हां, और इहदे संबंध विच इहो ही आ। शहर दे विच मैं इहो कहना चाहुंदा वी आपां सारे रल के, जिवें अज इत्थे तुसीं देखिआ बूटे लाए ने, वड्डे वड्डे हो गए ने, पिछले साल भी असीं लाए सी ते अज होर भी ऐड कीते आ। इसे तरह हर बंदे दी जिम्मेवारी बनदी, हर अपने घर दे विच इदां बूटे लाओ, हरियाली आऊगी। फ्रेंड्स क्लब वालों DCP पंडाल साहब है, उन्हां दे असीं नाल साडी सारी NGO जिहड़ी चलदी पई है, और असीं बूटे लगा रहे हां, क्योंकि जिहड़ा वातावरण तुसीं पिछले समें च देखिआ होवै कि जो ऑक्सीजन की कमी हुई है तो लोगों को कितनी कितनी महंगी ऑक्सीजन लेनी पड़ी है, और कुदरती जी ऑक्सीजन सानू फ्री मिल रही है, ये असी तो बूटे लगावे तो ही लोगों को वातावरण अच्छा मिलेगा। और साड़ी है साड़ी सारी NGO की यही है, कर रहे हैं कोशिश कि कोई भी जगह ऐसी ना रहे जिते हरियाली ना हो। असी पहला भी 500-700 बूटा लगाया हुआ कुछ दिनों में, हूँ अगले दिनों हर थाने 25 तो 30 बूटे हर थाने लगावे, और किहड़ी जगह जिथे भी सानू दसंगे DCP साहब पंडाल साहब दसंगे सानू, असी उन्हां दे नाल जाके बूटियां दा इन्हां दे नाल लगावांगे, तां कि जिहड़ी जगह दी जरूरत है जिथे चाहिए ने जिथे नहीं आ हरियाली उत्थे ही बूटे लगाउण दा जिहड़ी मुहिम फ्रेंड्स क्लब वालों शुरुआत की। जिन्ने भी थाने अंदर आते हैं उन्होंने अंडर अमृतसर के अंदर आप सारे थाने च बूटे लगावांगे जी। मैं दसना चाहुंदा जी, ये सरदार गिनी भाटिया जी आ जिन्होंने फ्रेंड्स क्लब जिहड़ी इन्हां दी NGO आ, ये पूरी जिहड़े NGO आ रल के शहर दे विच काफ़ी हरियाली संबंधी जिहड़े आ काफ़ी बूटे ला रहे, और असीं भी पूरे अपने दफ्तर दे विच भी इन्हां दा सानूं पूरा सहयोग दित्ता। इस तों अलावा असीं अपने वक्त वक्त थाणियां दे विच भी लवा रहे हां, और साडी जिहड़ी ट्रैफिक लाइन उत्थे भी काफ़ी असीं बूटे लवा रहे हां, और इहदे संबंध विच इहो ही आ। शहर दे विच मैं इहो कहना चाहुंदा वी आपां सारे रल के, जिवें अज इत्थे तुसीं देखिआ बूटे लाए ने, वड्डे वड्डे हो गए ने, पिछले साल भी असीं लाए सी ते अज होर भी ऐड कीते आ। इसे तरह हर बंदे दी जिम्मेवारी बनदी, हर अपने घर दे विच इदां बूटे लाओ, हरियाली आऊगी। फ्रेंड्स क्लब वालों DCP पंडाल साहब है, उन्हां दे असी नाल साडी सारी NGO जिहड़ी चलदी पई है, और असीं बूटे लगा रहे हैं, क्योंकि जिहड़ा वातावरण तुसीं पिछले समें च देखिआ होवै कि जो ऑक्सीजन की कमी हुई है तो लोगों को कितनी कितनी महंगी ऑक्सीजन लेनी पई है, और कुदरती जिहड़ी ऑक्सीजन सानू फ्री मिल रही है, ये असी तो बूटे लगावे तो ही लोगों को वातावरण अच्छा मिलेगा। और साड़ी है साड़ी सारी NGO की यही है, कर रहे हैं कोशिश कि कोई भी जगह ऐसी ना रहे जिथे हरियाली ना हो। असी पहला भी 500-700 बूटा लगाया हुआ कुछ दिनों में, हूँ अगले दिनों हर थाने 25 तो 30 बूटे हर थाने लगावे, और किहड़ी जगह जिथे भी सानू दसंगे DCP साहब पंडाल साहब दसंगे सानू, असी उन्हां दे नाल जाके बूटियां दा इन्हां दे नाल लगावांगे, तां कि जिहड़ी जगह दी जरूरत है जिथे चाहिए ने जिथे नहीं आ हरियाली उत्थे ही बूटे लगाउण दा जिहड़ी मुहिम फ्रेंड्स क्लब वालों शुरुआत की। जिन्ने भी थाने अंदर आते हैं उन्हां दे अंडर अमृतसर के अंदर आप सारे थाने बूटे लगावांगे जी।